आप कौन सा डीओ यूज करते हैं? कहीं आप फॉग, एक्स, वाइल्डस्टोन, एंगेज या निविया तो नहीं यूज कर रहे? क्या आपको पता है कि जब आप इन डिओड्रेंट स्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी केमिकल को अपने शरीर पे लगा रहे हैं जो एक किसान खेतों में छिड़कता है ताकि उसकी फसल में कीड़े ना लगे, ट्राइक्लोसन। क्या आपको पता है कि इन डिओड्रेंट्स में वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक एलपीजी के सिलेंडर में है, ब्यूटेन। और क्या आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल खुशबू इन डिओड्रेंट्स में डाली जाती है उसमें हजार से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं और इन केमिकल्स की एक ग्राहक को कोई जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि इन पे ब्रांड्स का पेटेंट जो होता है। शॉर्ट में कहूं तो इस बात में कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि जो सबसे खतरनाक केमिकल्स हम लोग अपनी बॉडी पे लगाते हैं वो इन्हीं कमर्शियल डिओड्रेंट्स में पाए जाते हैं। तो क्या कोई नेचुरल, सेफ और टॉक्सिन फ्री डिओड्रेंट्स हैं भारतीय मार्केट में? आइए पता लगाते हैं। ये वीडियो है इन एसोसिएशन विद डॉक्टर वैद्यास हफ एंड कफ काढ़ा और सुंगहो हर्बल इनहेलर। करेंगे इसके बारे में बात बाद में, अभी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। भारतीय मार्केट में 100% सेफ डिओड्रेंट्स ढूंढने के लिए मैंने लगभग 20 मोस्ट कॉमन डिओड्रेंट्स को खरीदा। फिर मैंने कुछ 2020 में लेटेस्ट लॉन्च डीओस पे भी नजर डाली। मैंने इन सभी डीओस को इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से दो कैटेगरीज में बांटा है। एक बात जो मुझे रिसर्च करते वक्त पता चली वो ये कि एक ही ब्रांड के मेन और वुमेन वर्जन वाले डीओस में एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम ही थे, इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया। कैटेगरी नंबर एक में आते हैं भारतीय मार्केट में मौजूद सबसे टॉक्सिक डिओड्रेंट्स। फॉग, एंगेज, निविया, पार्क एवेन्यू, स्पिन्स, सीक्रेट टेम्पटेशन, यार्डले, एक्स, लेयर वाटर गर्ल, कामसूत्र, आरा मस्क, वाइल्ड स्टोन, ही, एडिडास, रेक्सोना, सिंथॉल, पोलो स्पोर्ट, आप बस नाम लो। और ये वही डिओड्रेंट्स हैं जो भारतीय जनता सबसे ज्यादा लगाना पसंद करती है। खैर, दोष जनता का नहीं, दोष है डिओड्रेंट्स की कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का जो पता नहीं क्या क्या दिखाती हैं। लेकिन अगर आप इन डीओस के इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो आप पाएंगे कि इनमें एल्कोहल, ब्यूटेन, ट्राइक्लोसन, VHT, पैराबेंस, एल्यूमिनियम, प्रोपिलेंट्स वगैरह डाले जाते हैं और टॉक्सिक खुशबू तो मेन कल्प्रिट है ही। इन डिओड्रेंट्स को रेगुलरली यूज करने से अंडर आर्म्स डार्क हो सकती हैं, स्किन पे इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ रेयर केसेस में तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी आकर खड़ी हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर कंपनियां अपने डीओ की मार्केटिंग करती हैं ये शो करके कि इससे पसीना नहीं आता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। पसीने को रोकने के लिए इन डीओज में एंटी परस्पिरेंट्स डाले जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम बेस्ड होते हैं। एल्यूमिनियम एक थायरोटॉक्सिक मेटल है। इस बात का प्रमाण आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी दे दिया है। एक रिसर्च के मुताबिक 50% ब्रेस्ट कैंसर इन एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी परस्पिरेंट्स को अंडर आर्म्स पे लगाने से शुरू होते हैं। इन टॉक्सिक स्प्रेस को इस्तेमाल करने से हार्मोनल इंबैलेंस से लेकर इम्पोटेंसी तक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एलर्जीज वगैरह तो आम ही हैं। बेसिकली जब हम डीओ लगाते हैं तो ये सभी टॉक्सिक केमिकल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में बिना मेटाबोलाइज हुए पहुंच जाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर से स्वेटिंग एक नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है बॉडी का। स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करना हमारी बॉडी की डिटॉक्स चैनल को बंद करना है और इसके दुष्परिणामों का वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में है। इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी डीओ यूज कर रहे हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि उसे यूज करना बंद कर दें। इन टॉक्सिक स्प्रे से तो कुछ ना लगाना ही बेहतर है। हालांकि क्योंकि भारत में गर्मी बहुत पड़ती है तो यहाँ पसीना भी आता है और उससे बदबू हो सकती है, इसलिए हमें चाहिए ऐसे डीओस जो स्वेट ग्लैंड्स को बंद ना करें और नेचुरली बदबू को भी हटा दें। कैटेगरी नंबर दो में आते हैं डिओड्रेंट क्रीम्स बाय कोकोनस, ट्री वियर नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन, केवमैन नेचुरल्स डिओड्रेंट क्रीम्स और अरोहा डिओड्रेंट रोल ऑन्स। कोकोनस की डिओड्रेंट क्रीम्स बनती हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, बीज वैक्स और एसेंशियल ऑयल से। आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो एल्यूमिनियम का यूज हुआ है, ना एल्कोहल, ना ट्राइक्लोसन और जो खुशबू है वो भी नेचुरल फूलों से एसेंशियल ऑयल्स के रूप में एक्सट्रैक्ट की गई है। कोकोनस की ये 25 ग्राम क्रीम आपको पड़ेगी 380 रुपए की। ये कैमोमाइल, सेडार एंड लाइम और रोज फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अरोहा डिओड्रेंट रोल ऑन्स भी इसी तरह से आते हैं 3 वेरिएंट्स में। ये भी 100% टॉक्सिन फ्री हैं। इनमें कोकोनट ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स के अलावा एरो रूट पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हुआ है। प्राइस पॉइंट से भी ये काफी बजट फ्रेंडली हैं। एक रोल ऑन आपको पड़ेगा 135 रुपए का। ना ही सिर्फ ये मार्केट में गैस के सिलेंडरों से बेहतर है बल्कि प्राइस में भी किफायती है। ट्री वियर का नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन भी एल्यूमिनियम फ्री नेचुरल एसेंशियल ऑयल बेस्ड ऑप्शन है जिसका 33 ग्राम आपको पड़ेगा 400 रुपए का। फिर केवमैन नेचुरल्स की डिओड्रेंट क्रीम्स कोकोनट ऑयल और शिया बटर बेस्ड है।
हैं। ये ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट बेस्ड क्रुएल्टी फ्री क्रीम्स आती हैं 2 वेरिएंट्स में, अल्पाइन और सबलाइन। दोनों ही 100% सेफ हैं। 50 ग्राम की ये क्रीम आपको पड़ेगी 549 रुपए की। हालांकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी नेचुरल डिओड्रेंट बनाने वाली कंपनियां सही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान अर्थी रिदम और इंडस वैली जैसे ब्रांड सामने आए जिनके सो कॉल्ड नेचुरल डिओज में टॉक्सिक केमिकल्स थे, इसलिए हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करके ही खरीदें। सो दोस्तों कैटेगरी नंबर 2 में ये सभी डिओड्रेंट प्रोडक्ट्स बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हैं और इसे आप अपनी पसंद से खरीद सकते हैं। मैंने इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सभी डिओड्रेंट प्रोडक्ट्स भारतीय ब्रांड्स द्वारा बनाए गए हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। किसी भी बेस्ट कैटेगरी में मेंशन ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस अपडेटेड वर्स टू बेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करूं तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या वैसे ही सर्दी से बचाव रखना चाहते हैं तो डॉक्टर वैद्यास का हफ एंड कफ आयुर्वेदिक काढ़ा और सुंग हो हर्बल इनहेलेशन ट्राई कर सकते हैं। हफ एंड कफ काढ़े के 1 चम्मच को पानी में उबाल कर पी सकते हैं और सुंग हो एक नेचुरल इनहेलर है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स 100% हर्बल हैं और कोल्ड, कफ और कंजेशन जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी हैं। इन दोनों में ही कोई हार्श इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ, बिल्कुल सेफ हैं। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।